आतिफ थे और ये अप्रवासी भारतीय थे, वहां पे दुबई में नौकरी कर रहे थे और बुखार इत्यादि की वजह से वहां से इनको डिपोर्ट किया गया था, इनको बाहर भेज दिया गया था। तो ये वापस अपने देश इंडिया आए और यहाँ पे आके उसके बाद लखनऊ में इन्होंने कुछ इलाज कराया, वहां पे फायदा नहीं हुआ तो अपने नेटिव प्लेस यहाँ पे है इनकी लखीमपुर में, इनका मकान है नई बस्ती में, तो वहां पे इलाज कराने के लिए एक डेढ़ दिन यहाँ रुके थे प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करा के, जब फायदा नहीं हुआ तो वापस फिर लखनऊ चले गए। लखनऊ में जो सूचना मिली है कि ये कुछ प्राइवेट अस्पतालों में गए पर वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए जहां से इनकी जांच कराई गई और जांच में इनका H1N1 पॉजिटिव आया। तो जो बीमारी का उद्गम है, जो शुरुआत है, वो विदेश में ही है, वहीं से ये बीमार होकर आए थे। लगता है कि स्वाइन फ्लू जो है इन्होंने विदेश से कॉन्टैक्ट किया था, जो कि हमारी एपिडेमियोलॉजिकल टीम ने कल सर्वे भी किया तो उनका भी यही मत है। बाकी कल हमारी टीम यहां से चली गई थी, एडिशनल CMO, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक फार्मासिस्ट एम्बुलेंस के साथ गए थे, उनके घर में कोई निकट परिवारीजन नहीं मिला, एक दो लोग ऐसे मिले थे जो उनके कॉन्टैक्ट में थे तो उनको दवाएं वितरित कर दी गई थी। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हमने तैयार कर ली है हमारे पास प्रचुर मात्रा में, यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। अभी उनका पूरा परिवार लखनऊ में है और ये बीमारी यहाँ से नहीं आई है, सिर्फ ये मरीज बीमारी लेके आया था जो कि यहाँ से होकर वापस चला।